दो टॉपिक की और बात कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि दो तरह के रेट्स की बात करूंगा उसके अंदर। एक होता है स्पॉट रेट, एक होता है फॉरवर्ड रेट। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन क्या होता है। पहला फंक्शन लिखा है मैंने ट्रांसफर फंक्शन। अब देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या कहता है। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करना, किसके बीच में, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज तो वही आएगा ना जहां पर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही होंगी, क्योंकि उनकी करेंसी अलग अलग होती है। अगर अमेरिका और इंडिया की बात करूं, इंडिया में रुपी चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। तो ट्रांसफर फंक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करेगी जिसके थ्रू इन कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो पाएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा मार्केट का फंक्शन होता है क्रेडिट फंक्शन। अब क्रेडिट फंक्शन इन्वॉल्व होता है बिकॉज जब गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो टाइम लगता है चीजों को पहुंचने में, इसलिए क्रेडिट फंक्शन जरूरी है इस मार्केट के अंदर, विच इज अगेन बीइंग डन बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और इस क्रेडिट फंक्शन को करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है जिसका इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है क्रेडिट फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तीसरी चीज आती है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि आप मार्केट में रिस्क को कवर करने के लिए हेजिंग में इन्वॉल्व होते हो। हेजिंग का मतलब होता है आज आपने एक डील कर ली, आज आपने रेट डिसाइड कर लिया, उसी रेट पर चीज डिलीवर की जाएगी फ्यूचर में, चाहे फ्यूचर में उसका रेट कुछ भी हो जाए, दैट इज कॉल्ड हेजिंग फंक्शन, जो कि इस मार्केट के अंदर परफॉर्म किया जाता है। हेजिंग फंक्शन को डिटेल में समझाऊंगा आपको अभी इसके अंदर, जब इस वाले पॉइंट पर हम आने वाले हैं। अभी आप चलते हैं ऑपरेशंस के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं जी, एक होता है स्पॉट रेट, एक होता है फॉरवर्ड रेट, जिसको मैंने बोला हेजिंग भी कहते हैं। बड़ा ही आसान सा बंदा है। स्पॉट रेट का मतलब होता है आज आप जो डील कर रहे हो फॉरेन करेंसी में, फॉरेन एक्सचेंज में, वो आज के ही रेट पर हो रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आज एक डॉलर 70 रुपए का है तो आज आपने डील फाइनल करी और 70 रुपए में एक डॉलर आपने लेने बेचने व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो वो आपने करना शुरू कर दिया। तो ये होती है स्पॉट मार्केट या स्पॉट रेट, जिसमें आज के रेट पर ही ट्रांजेक्शन को सेटल किया जाता है। बट जो फॉरवर्ड मार्केट होती है, जो फॉरवर्ड रेट होता है, जिसको हम हेजिंग के नाम से भी जानते हैं, उसमें थोड़ा सा होता है चेंज। अब वो क्या चेंज होता है, सपोज आपने ये डिसाइड कर लिया कि आज जो हमारा एक्सचेंज का रेट होगा वो होगा $1 = 70 रुपए। अब इसके अंदर जो चीजों की डिलीवरी होती है वो होती है फ्यूचर में, फ्यूचर डिलीवरी होती है यहां पर इन्वॉल्व, 2 महीने बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, कभी भी चीज की डिलीवरी होगी। पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज रहेगा वो वही रहेगा जो हमने आज डिसाइड कर लिया। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं एक्सचेंज रेट में, उससे बचा जा सके। अगर आज एक डॉलर मुझे 70 में मिल रहा है और 1 महीने बाद सपोज एक डॉलर का रेट बढ़कर 80 हो गया और तब मुझे डॉलर खरीदना पड़े या मुझे तब मुझे पेमेंट करनी पड़े डॉलर की फॉर्म में, तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा ना। तो ऐसी सिचुएशन को, इन सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए नॉर्मली फॉरवर्ड रेट का सहारा लिया जाता है, जिसको हेजिंग के नाम से भी जानते हैं, ताकि वो फ्लक्चुएशन आपको ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है, सो आज के वीडियो में डिस्कस कर लिया पूरा की पूरा आपसे मैंने, मार्केट क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या काम करती है इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, और क्या उसके ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स अ लॉट।